देखिए, एक कल अपन ने एलसीएम निकालना सीखा था, आज अपन सीखते हैं एचसीएफ निकालना। तो किस तरीके से निकालना है, फैक्टर विधि से निकालेंगे, अंतर से निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे, तीन प्रकार से निकाल दें। तो देखो आगे, पहले फैक्टर विधि, अपन 28 के ऐसे टुकड़े करो, किससे करोगे, 4 इंटू कितना 7 होता है, 64 के करोगे तो आपको पता है 4 का पूरा 3 बार में आता है, तो 64 का 64 ही रहेगा वो, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 96 का कैसे करेंगे अपन, 4 इंटू 4 इंटू 16 छक्के होता है ना, 2 इंटू 3, ऐसे कर लो फैक्टर। आपको पता जो कॉमन आता है वो अपना क्या रहता है, एचसीएफ रहता है। इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, तो तीनों जगह जो कॉमन आता है वो अपना क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आ रहा है ना कितना, 4 है आपका आंसर। इस तरीके से कर लो फैक्टर करके, नहीं तो एक बार मैंने अंतर बोला है, इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, अंतर लो आप यहाँ पर, उधर में 6, यहाँ पर 5 बचा, 5 में 3 36, इन दोनों का अंतर लो 2 होगा, यहाँ से कितना बचेगा 3, इन दोनों का अंतर ले लो, बचेगा कितना 4 है आपका आंसर। भाग विधि करके देख लो, 28 है, 28 दूनी कितना होता है 56, यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना 8 बचेगा, यहाँ पर कितना 0। अब 28 का इसमें भाग दो, 8 तेरी कितना होता है 24, बचेंगे यहाँ पर कितना 4, एक कट जाएगा। अब 4 का अपना 8 में भाग दो, 4 दूनी कितना होता है 8, मतलब जहाँ पे भाग देना बंद हो जाए बचे कितना 4 से, तो अपने ये 4, तीनों प्रकार से आपका 4 एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालना दो तरीके से निकाल सकते हो आप, तो एक फैक्टर विधि से, एक अपना अंतर विधि। फैक्टर विधि देख लीजिए, पहले 2 से काटो कितना 6 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, फिर इसको 2 से 8 34, 2 से काटेंगे कितना आएगा 17, 17 से काट दो 1, इसके भी फैक्टर कर लीजिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा 102 आएगा, 2 से काटेंगे 51 आएगा, 3 से काटो कितना 17 आएगा, 17 से काटोगे कितना 1 आएगा, इसके भी फैक्टर कर लीजिए आप, 2 से काटो कितना 1 बार, 5 बार और 3 बार, अब 3 से काटोगे इसको कितने 51 बार, 3 से ही काटोगे इसको फिर से 17 बार, 17 से काट लो 1 बार। अब देखो जो चीज़ कॉमन आती है वो अपना क्या रहता है, आंसर रहता है। यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, अब यहाँ पर भी 2 और 2 इसलिए 2 जाएगा, 1 गए 2, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17, तो 17 अपन क्या कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर और कहीं जहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तीनों 3 कट जाएंगे, 17 दूनी कितना होता है 34, ये आपका आंसर। मैंने बोला अंतर विधि, इन दोनों का अंतर लो कितना आएगा 60, इन दोनों का अंतर लोग कितना आएगा आपको 6 में से 2 102, 30 में से 1 कितना 34, ऐसे निकलिए आपका अंतर। अंतर विधि सबसे अच्छी रहेगी, 5 सेकंड में आंसर आएगा, 5 सेकंड में आंसर, 5 सेकंड में आंसर। रुकना एक मिनट, इसको बना लें तो फिर जाना। देखो ये क्वेश्चन है अपना क्या, एचसीएफ निकालना है, या तो आप फैक्टर विधि से कर लो, या तो फैक्टर ही कर सकते हो आप, कितना इससे काटोगे 2 से, ऐसे फैक्टर मत करो, इस छोटे मोटे फैक्टर इस तरीके से कर सकते हो आप। 30 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 7 42, 96 करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32 दिया होता है 96, ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ पर एक यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक जे कॉमन आ रहा है, एक जे कॉमन आ रहा है, जो कॉमन रहता है वो क्या रहता है, अपना आंसर रहता है। ऐसे में 2 कॉमन आ गया, उसके बाद यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर कितना 3 है, यहाँ पर 3 है इंटू 3, यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर 7 है, यहाँ 7 नहीं, यहाँ 7 नहीं, ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 है लेकिन ये और कहीं है, दूसरा 2 नहीं है तो सब कट जाएंगे, बचे 3 दूनी कितना होता है 6। एक जे वाला देख
42 में कितना अंतर आ रहा है अपना 12 का, और इसमें अंतर कितने का आ रहा है 4 का और 5 54। अब देखिए यहाँ पर अपना 42 के अपन टुकड़ेंगे इंटू डबल होता है, यहाँ पर 12 में कितना 2 × 2 होते थे, आप इसका फैक्टर कर दो, 2 × कितना 6 है, ये 2 कट जाएगा जी आपका 6 जी आपका आंसर। नहीं तो और देखो दोनों में कितना आएगा 42 नहीं आएगा 7, हाँ 42 से जाएगा 42, लेकिन देखिए आप 30 के पहाड़े में जाता है क्या, नहीं जाता, तो 42 छः 7, 7 का पहाड़ा 30 में नहीं जाता, में नहीं जाता, इसलिए 7 काट दो जय आपका आंसर, या तो जहीं पे अलग अलग कर दो तो अच्छा रहेगा। 30 का पहाड़ 2 में देंगे 15 एक और 6 में 2 है तो भाग देंगे नहीं जाएगा ना, इसलिए 2 कर दिया, 6 का 30 में भी जा रहा है, 42 में भी जा रहा है, 96 में भी जा रहा है, तो ऐसे और अंतर लेके कितना 42, आपको पता 42 का पहाड़ा किस में नहीं जाता भाग 30 में और 96 में नहीं जाता, 7 को अलग कर दो, 7 काट के 6 अपना आंसर, ऐसे कर सकते हो। देखिए ये इन दोनों का अपन अंतर ऐसे आप देख लेना, ऐसे आप तो फैक्टर विधि और भाग विधि ये सब आप घर से करते ही रहना, लेकिन फैक्टर विधि में क्या आपको फैक्टर अलग अलग करना है, जो चीज़ कॉमन आती है वो अपना एचसीएफ होता है, लेकिन अंतर विधि रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर से देखो इन दोनों का अंतर लोगे आप कितना आएगा 39, इन दोनों का अंतर आएगा कितना 117। अब अपन इन दोनों का अंतर लेना पड़ता कितना आएगा 78, आपको पता है 78 में 2 छुपा है, 2 का गुणा करेंगे जब भी तो 70, अब 2 का भाग क्या 95 में जा रहा है कि अपना 2 का भाग का नियम क्या है, सम संख्या हो या 0 हो तभी अपना क्या जाता है 2 का भाग जाता है, तो आप इसमें 5 का जाएगा नहीं, 2 आप अलग निकाल लीजिए 39 बचा, अब 2 काट दीजिए बचा कितना अपना 39, जी आपका आपका एनसीएफ। देखिए इसका अपन को क्या करना है एचसीएफ निकालना, यदि आप फैक्टर विधि से ही करोगे तो आपको पता नहीं कितना कुछ करना पड़ेगा, भाग विधि भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, इसलिए बोलता हूँ मैं अंतर विधि, अंतर लो इनका, आपको पता है 9 में से 7 गद बचेंगे कितने आपके 2, 5 में से 5 गद 0, इधर 2, 12 में से अपने गद कितने 500 और 1 में से क्या 0, 500 2 का अंतर आ गया। आप देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना 7 है, यहाँ पर 9, इनमें क्या 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसमें आपको 2 छुपा है कि नहीं, 2 को आप अलग कर लो, 2 से काटो कितना 2 बार 5 बार 51 बार, 2 को काट दो 251 जो आपका आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन करना अपन को एचसीएफ निकालना, मैंने बोला इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपको पता है 34, इन दोनों का अंतर करो कितना 28। हमेशा याद रखना यदि राइट साइड अंतर आपका छोटा आता है लेफ्ट साइड वाला बड़ा आता है, तो छोटा वाला जो अंतर आ गया कभी भी आपका वही आंसर होता, मतलब इसका आपका आंसर 28 आंसर। देखिए इस संख्या का आपको एचसीएफ निकालना, क्या करना वही अंतर विधि, अंतर लो 17 में से 8 जाएंगे 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 8 है 1 इधर दे दिए 7, 17 में से फिर अपने 8 जाएंगे कितने बचेंगे 9, यहाँ पर बचे कितने 1 इधर दिया 4, 4 में से अपने ये जाएंगे कितने हो जाएंगे 3 और 2 में 2 जाएंगे 200 अपने आगे कितने 398 सॉरी अंतर कितना आ रहा है 398 आ रहा है, लेकिन आपको पता है 9 में 2 का भाग गुणा कर भाग देते नहीं जाता ना, 7 में इसमें 2 का भाग देंगे चला जाएगा ना, तो 2 अलग कर दे, 2 से अलग करेंगे 2 एकम 2 × 18 2 काट दीजिए 199 जय आपका एचसीएफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन बताना है एचसीएफ आपको, मैंने वही बोला अंतर विधि लो दोनों का अंतर, यहाँ पर आपको पता है 2 में से 1 गया कितना 1 बचेगा, 13 में से 5 गया कितने 8 बचेंगे, 9 हो गए 9 में 6 गए तो 3 बचेंगे, ठीक है यहाँ पर बचे कितना आपका 9, 1 में से 1 गया 0, अब आपको देखो 381, अब 381 आपको पता 381 कितने 11 12, क्या 12 इस 5 और 2 कितने 7 होते हैं, इसमें अंकों का योग कितना 7 हो रहा है, इसमें कितना 12 है, 3 से कटेगा या 3 से नहीं कटेगा, आप ये 3 अलग कर दीजिए
तीन एकम तीन, तीन दूनी कितना छः, तीस सात इक्कीस, तीन अलग कर दिया, जे तीन को काट दो बचे कितना 127, जे आपका आंसर तीन अलग क्यों किया, एक और बार सुन लीजिए, अंगों का योग कितना सात हो रहा है, अंगों का योग सात हो रहा है, तीन से कट नहीं कटता है, काला अंकों का योग कितना बारह, तीन से कटता है इसलिए अपन ने तीन अलग कर दिया, 127 जे आपका एस शेप, 127 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, जे आपका एस शेप रहेगा आंसर। देखिए इसमें भी आपको एस शेप निकालने, पेन नंबर दो अंक बाद पॉइंट, दो अंक बाद पॉइंट, दो अंक बाद पॉइंट, ये पॉइंट दोनों हटा, तीनों में क्या दो दो अंक बाद पॉइंट हटा सकते हो, कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों में अंतर लो, 12 में 6 गत कितने बचेंगे 6, 5 में से अपने 2 गत बचेंगे कितने 3, 36, इनका अंतर लो, 8 में 6 गत कितने 6 आएगा, 6 में से 3 गत 36, 36 से 36 आ रहा है, तो आपको पता है यहाँ पर इन दोनों का अंतर भी लेंगे तो 0 आएगा, एक ही क्या करना है आपको 36, इसमें 6 है आपको पता है, 36 का आप इसमें भाग दोगे, एक बार दो का भाग दोगे तो कितना 81, आपको पता 36 में तो दो बार चार छुपा है, तो इसको क्या करना, दो को अलग कर दो, आप कितना बचेगा 18 बचा, दो को अलग कर दिए क्योंकि इसमें एक बार भाग जा रहा है, एक और दो छुपा में ये वाला, तो इस बार नहीं जाएगा, तो इसलिए अपन ने कितना ये बार अलग कर क्योंकि एक बार आपका 18 18 इसमें भी जाएगा, इसमें भी आपका 18 आंसर।